दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB का एक कल फाइनल रिजल्ट आया तो उसके बारे में पूरी डिटेल। पूरी वीडियो आने तक देखते रहना, वीडियो अच्छी लगी तो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। 5/4/2023 का नोटिफिकेशन है, मेन रिजल्ट नोटिस यानी कि फाइनल रिजल्ट नोटिस है। ये पोस्ट कोड है 12/21 जो कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की है। देख लेते हैं यहाँ पे जो जनरल के PH कैटेगरी की है, सब कैटेगरी OH में एक कैंडिडेट है, VH में भी यहाँ पे एक है, XRS में चार है, जनरल में टोटल 24 कैंडिडेट है, XRS में EWS में एक है, EWS में पाँच है, OBC PH HH में यहाँ पे एक है, OBC XRS में भी एक है, OBC कैटेगरी में 15 कैंडिडेट है, SC में 9 है और यहाँ पे फाइनली ST में यहाँ पे 4 है। मेरिट वगैरह की बात करें तो मेरिट कितनी गई है यहाँ पे, फाइनल मेरिट आई है जनरल की 106.17, EWS 101.18, OBC 98.28, SC 93.11, ST 93.94, PWD में यहाँ पे OH 79.15, VH में 88.45, HH में 65.98, XRS में 70.48 यहाँ पे मेरिट गई है। वेटिंग पैनल में देख लेते हैं, EWS में 2 हैं, जनरल में 6 हैं, OBC में 4 कैंडिडेट है, SC में 2 हैं, ST में 1 है, PH की सब कैटेगरी सारी में एक ही कैंडिडेट और XRS में यहाँ पे एक कैंडिडेट है। अगर हम मेरिट की बात करें, यहाँ पे मेरिट क्या गई है, जनरल की 105.01, EWS 98.69, OBC 97.47, ST 91.63, ST 79.13, PWD में OH की 82.56, VH की 86.09, HH की 64.28, XRS में 61.30 यहाँ पे मेरिट गई है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो बताना हो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।